उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के दो सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर चार चार पांच पांच जो राउंड के ब्रस्ट मारे, रेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहां पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में दो जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए, और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, पर जब एक कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। यहां से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कुछ जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसके राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट था वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा, जिंदा होगा। उनको देखा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठ कर रोया भी, फिर अपने आप को संभाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव, जाऊं तो जाऊं कहां। मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया और अपने साथियों जो नहीं चढ़ पा रहे थे दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से वहां तक पहुंचा। फिर उनको उन्होंने मुझे पकड़ा, वो फर्स्ट एड दिया। फिर वहां से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कुशाचंद ठाकुर, फिर उनको सूचना दिया। तो ये लगभग 1:30-2 बजे का समय था। वहां से फिर कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे ले जाया गया। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता, मैं कौन हूं, बस अब आवाज सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशालचंद ठाकुर। मैं, जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उनका जो लिविंग टेंट था उसमें के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला, ठीक है पानी पिलाते हैं। तभी डॉक्टर साहब आए गए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता है? मैं, कहा सब बता सकता हूँ। तो उनको बताया कि सर ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है और ये वहाँ की इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं, कहा सब जवान की रिक्वायरमेंट एमिनेशन और फील्ड पट्टी की है। बोला, खाने के लिए नहीं चाहिए? सर भूख नहीं लगती। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहाँ पर। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में मैं रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा जी। और वहीं पर हॉस्पिटल में ही मुझे पता चला कि
15 अगस्त 1999 को जब ये परमवीर चक्र का जो अनाउंसमेंट हुआ तो वो वहां पर ही मुझे पता चला। या सर,